हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से ही एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप सोलर पैनल से डायरेक्ट सोलर पैनल से आप 50 वॉट की टीवी को चला करके दिखाओ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। और काफ़ी लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट हम सोलर पैनल से किस तरीके से टीवी को भी चला सकते हैं, ये चलता है या नहीं चलता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके साथ मैं डायरेक्ट में शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को तुरंत से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको दूर कर देता हूँ। ये होता है कुछ इस तरीके से कि जो सोलर पैनल हमारा जो होता है वो सोलर पैनल होता है सिर्फ और सिर्फ अब वाट के हिसाब से मिलता है और एम्पियर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मिलता है। हमारा जो मेरे पास जो सोलर पैनल है वो है 40 वाट का है जो कि 1 एम्पियर का है। आप उसमें आपको पता है कि वोल्टेज कितना होता है, मैक्सिमम उसका वोल्टेज होता है 12 से 20 वोल्ट के अप्रोक्स में वो वोल्टेज हमें आउटपुट देता है। आप अब इस साइड में देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सोलर पैनल दिख रहा है और ये सोलर पैनल मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट की हेल्प से। अगर आपको इसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। वैसे मैंने इसे आपको टेलीविजन को चला करके भी दिखाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन आई बटन पर दोनों पर मैं दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि डायरेक्ट हम सोलर पैनल से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट करके। आप यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सोलर पैनल का वायर जो कि ये है प्लस और ये है माइनस, आपको पता ही होता है। तो मैं सबसे पहले आपको जो इसका वोल्टेज है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 200 पर यहाँ पर मैंने सेट करके रखा हुआ है मल्टीमीटर को, क्योंकि अभी ये एसी करंट में आएगा, क्योंकि आप इसे नहीं तो बैटरी को चार्ज कर सकते हो क्योंकि चार्ज करने के लिए अलग मेथड होता है। देखिए, सबसे पहले इसकी वोल्टेज की बात करें तो देखिए 42.2 मतलब 42 वोल्ट आ रहा है जो कि एसी करंट पर मैंने लगा करके रखा है। और 42 वोल्ट तो आपको पता है कि ये इतनी कम वोल्टेज है कि इस पर आप एक एलईडी बल्ब को भी नहीं जला सकते हो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जो नॉर्मली जो हमारे घर पर जो एलईडी बल्ब होता है आप उसे भी इससे नहीं चला सकते, उसे भी चलाने के लिए मैक्सिमम 150 वोल्ट होना चाहिए या 100 वोल्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए, तब आप उसे ग्लो करवा सकते हो। तो ये जब नहीं काम करेगा, कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कन्फ्यूजन आपका जो रहता है वो मैं सभी सॉल्व कर देता हूँ। तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको पता है। कन्वर्टर के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक कन्वर्टर है जिसकी हेल्प से मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस पर मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया था। देखिए, ये है 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर जो कि 200 वाट का ओवरलोडेड के साथ में मिलता है और इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। ये 200 वाट का है और आपको पता है ये डायरेक्ट देखिए सोलर कंट्रोलर से चलता है, मतलब सोलर से भी ये डायरेक्ट आपका चल जाएगा। लेकिन ये होता है कि अगर हम इसे ज़्यादा चलाते तो लोड इसमें नहीं लेता है, क्योंकि इसका जो एम्पियर आता है वो काफ़ी कम होता है। और एम्पियर के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है वो 1 एम्पियर का है और 1 एम्पियर पर ये नहीं काम करेगा। एसी इन्वर्टर के लिए मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का बैटरी का जरूरत पड़ता है। बैटरी भी मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे चलाता हूँ यूपीएस वाली बैटरी से जो कि ये भी ख़राब है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपको इसे कनेक्ट करना पड़ता है। आपको मैं यही बता रहा हूँ टीवी को किस तरीके से चलाना है, दूसरा वीडियो ये नहीं है, वही वीडियो है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखिए, मैं इतना ऊपर कर ले रहा हूँ, थोड़ा कैमरे को मैं सेट करता हूँ। यहाँ पर अब जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आप देखिए, तो हमें यहाँ पर जो पड़ता है एक कंट्रोलर का जो कि है देखिए सोलर चार्जर कंट्रोलर, सोलर का कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये बैटरी का, ये एलईडी बल्ब का। तो डायरेक्ट हम इसे कनेक्ट कर देंगे, सब पिन आउट पहले से दिया गया है, तो ये इसका प्लस है, प्लस के प्लस पर और माइनस के माइनस पर कनेक्ट करेंगे। ये क्या है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, मजा नहीं आ रहा है। कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपको 0-0 वैल्यू इसको देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे इसके वायर्स, यहाँ पर जो कनेक्टर मैंने लगाया था, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, जो कि ये हमारा 7H का बैटरी है और इसी के साथ में हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया, आप जो वोल्टेज है वो देखिए 10.9 वोल्टेज आ रहा है, जो कि मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए 10.9 वोल्टेज पर आ रहा है। और अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊँगा। चेक करने के लिए आपको पता है
ये है 200 वाट का कन्वर्टर, बैटरी भी फुल चार्ज नहीं है, लेकिन हम इसमें मैक्सिमम 100 वाट का भी जो बल्ब है उसे आसानी से हम ग्लो करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 100 वाट का बल्ब को कनेक्ट कर दिया जो कि डायरेक्ट हमारा कन्वर्टर के साथ में कनेक्ट है, आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और आप सोलर पैनल पर भी जो उसका कंट्रोलर है वहाँ पर देख सकते हो, वोल्टेज आपको साफ साफ शो हो रहा है। तो अब मैं इसे स्विच को ऑन कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखिए अभी ये ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि होममेड स्विच, अभी यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ग्लो हुआ था, पीछे से वायर लूज है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये ग्लो कर रहा है जो कि ये काफ़ी ब्राइटनेस में भी ग्लो है। देखिए कोई भी आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको फेक वीडियो आपको मैं बताऊंगा, हमेशा आपको मैं प्रूफ के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वोल्टेज भी है वो ड्रॉप हुआ है अभी आपके सामने, और यहाँ पर देखिए ये कटा हुआ भी यहाँ पर है, तो मुझे देखते हुए भी आपको चेक करके दिखाना है। कन्वर्टर को यहाँ पर मैं ऑन ही रखा हूँ, ये देखिए मज़ा आया। तो आप जब इसमें आप 100 वाट की बल्ब को अगर इजीली से चला सकते हो तो आप इसमें टेलीविज़न को भी आसानी से चला सकते हो। आपका जो कमेंट था वो था 50 वोल्ट के आसपास में, मतलब 50 वाट की एलईडी टीवी या कोई भी टीवी चलेगी या नहीं चलेगी, तो आप इसे 100% चला सकते हो क्योंकि 100 वाट का बल्ब जल रहा है। तो आप 50 वाट की टेलीविज़न को ईजिली से चला सकते हो, लेकिन सोलर पैनल से नहीं चला सकते हो। सोलर पैनल से चलाने के लिए आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे छोटा कन्वर्टर एक 100 वाट का भी आता है, लेकिन उससे बेस्ट होता है ये 200 वाट का कन्वर्टर, काफ़ी सस्ता भी है। आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दूंगा, आप इसे बाय कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या आप मुझे कमेंट में बताना चाहते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट पर वीडियो आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इस किसी और वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।